नमस्कार गाइस, मैं अमृत राज आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने अमृत राज है। आज मैं इसलिए खुश हूं इतना गाइस, क्योंकि जब मैं सो करके उठा था दोपहर में ना, तो देख रहा हूं यार सीजीएल 2022 का, एसएससी 2022 का कैलेंडर आ गया, समझ रहे हो ना। तो जाहिर सी बात है यार कि आप सब में से बहुत लोग खुश हो गए, ठीक है। और एक पता ना कौन तो आने वाला था सीटी, वो सब अभी नहीं आया है, ठीक है। और अब तो भाई अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, समझ रहे हो। अभी सीजीएल का एग्जाम जो होने जा रहा है वो दिसंबर में ही होने जा रहा है, ठीक है ना। अभी है, तकरीबन टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। आप लोग इसमें प्रिपरेशन कर सकते हो, बस भटको मत। ये नहीं कि उससे पूछ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना, अपने पोटेंशियल पे भरोसा रखो। और मेरे भाई, तुम्हारे पास इतने अगर महीने हैं, तुमने जो कुछ भी पढ़ा है, अब जान लगाओ एसएससी के लास्ट 3 से 4 साल में ये पूछ क्या रहा है। इट मीन्स फोकस करो प्रीवियस ईयर पे, फोकस करो प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स पर, देखो सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी गाइस, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू से इज दैट कि सीजीएल का एग्जाम 1 दिसंबर 2022 को होने वाला है गाइस, और सीएचएसएल का एग्जाम जो होने वाला है वो अगले साल 2023 में फरवरी और मार्च में होने वाला है, समझ रहे हो ना। और एमटीएस का एग्जाम भी अप्रैल और मई में होने वाला है। तो अब तो बहाना है नहीं, अब तो आपके पास टाइम भी है भाई। और यार भटको मत, फोकस्ड रहो अब। और एसएससी का प्रोसेस अपना फास्ट कर रहा है, आप लोग देख रहे हो यार इतना, मतलब पहली बार मैं अपने होश में देख रहा हूँ कि सीजीएल 2022 का एग्जाम सीजीएल 2022 में होने जा रहा है, यानी इतना जल्दी जल्दी अब एग्जाम हो रहा है। तो अब भाई मेरे प्री निकालोगे, फिर मेंस निकालोगे, फिर टायर 3 निकालोगे, समझ रहे हो ना, उधर हल्ला हो रहा है। सो गाइज, समझ रहे हो यार, अब रही बात कि सही डायरेक्शन में मेहनत कैसे करें, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए वेटरन लोग, और अमृत राज अपने आप को वेटरन समझता है, बिकॉज इस फील्ड में मैं काफ़ी टाइम से हूँ, 2-3 साल कम नहीं होते हैं, समझ रहे हो ना। तो मुझे पता है यार कि किधर भागना है। हम लोग इसी बंद कमरे में सेल्फ स्टडी के बदौलत आज तक कोई कोर्स हम लोगों ने परचेज नहीं किया। मॉक टेस्ट मैंने बहुत सारा परचेज किया हुआ है, बट आज तक किसी का कोर्स नहीं, बस वो एक राकेश यादव का क्लास नोट्स, और प्रीवियस ईयर पर मैंने काम किया है, ठीक है। भटका मैं भी हूँ, बट आप लोगों को मैं भटकने नहीं दूंगा, समझ रहे हो ना, मैं भटकने नहीं दूंगा। बिकॉज देखो पहले क्या था ना कि बहुत सारे सोर्सेज पढ़ने के वो शुरू में होगा आपके साथ, आपको लगेगा ना कि जितना भी पढ़ रहे हो ना यार कम है यार, वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। ऐसा होता है मेरे भाई, हम भी जब थे ना तो ऐसे ही हो रहा था। बट सफलता का एक ही श्रेय है कि भाई 10 चीज़ों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक चीज़ों को 10 बार पढ़ो। आप, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये प्रीवियस ईयर है ना, इसको 2 से 3 बार बनाओ, उसके बाद यार आप में खुद में मैच्योरिटी आ जाएगी नॉलेज की, यार आप खुद ही एक स्टेज पर आ जाओगे कि सोच सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे इस अनुसार माइंड को यार डेवलप करने के लिए पढ़ो आप लोग, ताकि आप पे सोचने और समझने की क्षमता का विकास हो, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देखो, अब गलत तरीका क्या होता है, मान लो कि इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ, ये एंटोसाइनो दिया हुआ है, ठीक है, ब्लैक बुक है, बहुत बढ़िया किताब मानता हूँ उसको। अब जैसे दिया है मान लो मॉर्नफुल जोयस, तो ऐसे रटो मत। आप अभी, आपके पास 4 से 5 महीने हैं, आप प्रीवियस ईयर उठाओ एसएससी का, आप डेली 20 क्वेश्चन लिखो, उसके बाद देखो कमाल। और 20 क्वेश्चन कैसे लिखो, आप क्वेश्चन लिखो, आप उसका वो मीनिंग लिख लो, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग, या फिर हिंदी में लिख लो और एक एग्जांपल लिख लो, और उसके बाद 200 पढ़ जाओ। यार ये सब करने में ना मात्र मुश्किल से 30 से 40 मिनट लगेगा, और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। आप कहोगे यार हम लिखेंगे नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो यार बुक्स है मार्केट में, जयदीप सर का किताब है, उसको पढ़ लो, समझ रहे हो, ठीक है मत लिखो तुम, मगर वर्ड को रट्टा बैठ के मत मारना, नहीं तो मेरा दिमाग खराब होता है रट्टा मारने से, ठीक है। आप देखो ये बहुत पुराना, ये पता ना कितने साल पहले का किताब है शायद, ठीक है, मतलब 1-2 साल पहले का ये। देखो यहाँ पर वर्ड लिखे हैं, देखो यहाँ पर वर्ड मैंने लिखा हुआ है, उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है, उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई, पढ़ लेते हैं। जैसे कॉन्टैमिनेट मतलब होता है दूषित करना। एग्जाम्पल एक याद कर रही है, द गंगा इज बिंग कॉन्टेमिनेटेड इन इंडिया बाई पीपल, हो गया यार, गंगा नदी को दूषित किया जा रहा है लोगों के द्वारा, अब इसमें क्या याद करना है। तो बैठ के रट्टा मत मारो, कौन वर्ड कहाँ यूज होता है उसको सीखो, ठीक है। और मैथ्स में भी प्रीवियस ईयर बार बार बनाओ, मैं बोलता हूँ ना प्रीवियस ईयर बार बार बनाओ। फालतू के चक्कर में मत पड़ना कि टेलीग्राम पे यार ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं और वहाँ पे टफ टफ क्वेश्चन आ रहा है, उसको देख करके डरे हुए हैं, ये सब भी होता था पहले मेरे साथ, ठीक है। प्रीवियस ईयर पे डटे रहो, प्रीवियस ईयर को अच्छे से समझ लो, कैलकुलेशन पे कमांड कर लो, ये है मैथ के लिए। अंग्रेजी के लिए भाई नीतू मैम का किताब है, एसपी बख्शी का किताब है, अरे 2-3 बार पढ़ जाओ, नहीं दिक्कत होगा। अब कहोगे सर टाइम कम है, कैसे ख़त्म होगा, अरे मेरे भाई 2 से 4 महीना में ख़त्म कर दोगे भाई, समझ रहे हो। रूल नहीं समझ में आ रहा है तो जाओ टेलीग्राम पे, वहां पे हेल्प लो कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। यार
लाखों ग्रुप्स हैं आपकी हेल्प करने के लिए, लाखों लोग खड़े हैं, कदम कदम पे लोग आपके खड़े हैं, आपकी हेल्प करेंगे, समझ रहे हो ना। तो एक बात और मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ आप करो अंग्रेजी में और मैथ में, प्रीवियस ईयर पे डटे रहो और रूल्स वूल्स पूरा एकदम रिवाइज करो और रीडिंग सेक्शन अपना मजबूत बनाओ, ठीक है। अब रही बात जीके की, तो जीके में याद रखना, जीके किसी का, वो जीके में किसी को महारत हासिल नहीं है। जीके में सोचो यार 10 से 15 लग जाए ना, काम बन जाएगा। बाकी तीनों पे फोकस करो, रीजनिंग पे फोकस करो, मैथ पे फोकस करो और इंग्लिश पे फोकस करो। ये तीनों आपको स्कोर दिला सकते हैं मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना। तो इन तीनों पे फोकस करो, फोकस्ड रहो इन तीनों पे, और जीके जीएस करंट अफेयर अपना कर लो, स्टैटिक जीके कुछ जो जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपको लगता है वो कर लो, ठीक है, और इंटरेस्ट लो। और देखो अब मान लो कि आप तैयारी कर लेते हो दिसंबर से पहले, आपको लग रहा है भाई अब तो हो गया यार, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा मतलब समझ रहे हो, तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होता, आपको लगेगा कुछ ना कुछ अधूरा है, बट फिर भी जितना पढ़ना ना उतना पे अपना कॉन्फिडेंस रख लेना कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, मेरे से ये हो सकता है, ठीक है, उतना भाई कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं मिलने वाला है। आज अमृत राज यहाँ बोल रहा है तो इसको पता है कि कॉन्फिडेंस रहेगा तभी हमको लोग देखेंगे, समझ रहे हो ना। तो कॉन्फिडेंस आप जनरेट करो, आप अपने आप से डेली बोलो कि मैं कर सकता हूँ, ये बहुत ही काम आता है, अपने आप से वो दिलासा दिलाओ, अपने आप को विश्वास पहले दिलाओ। मेरा एग्जाम काहे खराब होता आ रहा है पीछे से, मेरे को भाई लोग बोलते हैं ओवर प्रिपेयर्ड अंडर अचीव, एग्जाम में नर्वस हो जाते थे, अब ना पता चलता है सब बेवकूफ़ी थी यार, एग्जाम में डरना एकदम, इससे गंदा काम तो कुछ हो ही नहीं सकता कि इतना मेहनत करके जाओ और एग्जाम में। मेरा एक बार सीजीएल 2020 की एग्जाम में मेरा ये धक धक हो रहा था प्री के टाइम में यार, अब हमको पता चलता है यार उस वजह से परफॉर्मेंस खराब हुआ मेरा, 145 के करीब में रुक गया था स्कोर, इतना गुस्सा आता है यार। तो SSC याद रखना कि आपका लेवल यहाँ है और आप SSC का लेवल यहाँ है, तो ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दोगे तो भाई डरोगे, तो ये डर आप हटाओ, डर की वजह से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, और ये डर हटाने के लिए भाई अपने आप को भरोसा दिलाओ कि यार मेरे लाइफ में अगर ये नहीं होगा तो इससे अच्छा कुछ होने वाला है, तो कहीं इसको हम ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दें, हम अपना काम करेंगे, हम इसको अचीव करेंगे, इसी को पूरा प्रायोरिटाइज एकदम, एक होता है ना कि हद से ज़्यादा कर देना, करो लेकिन हद से ज़्यादा मत इसको करना, नहीं तो यहाँ पे फिर प्रेशर बनने लग जाएगा। तैयारी करो, ज़बरदस्त करो यार एकदम, ठीक है, और रीजनिंग विजनिंग कोर्स वोर्स कोई परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, अपना मॉक उठाओ, मॉक में बनाओ, देते देते तुमको आदत लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में। हाँ कुछ क्वेश्चन आपके फंसेंगे, जैसे क्लॉक से फंसे, कैलेंडर से फंसे, जाके यूट्यूब पे देख लो, जाके सीरीज के क्वेश्चन देख लो, अब उसके लिए भी कोर्स आप लोग खरीदोगे, ठीक है। तो कितना पढ़ोगे, पढ़ो वहीं जिससे आपको प्रॉफिट है अभी, याद रखना। मुझे पता है आप लोग मुझे इतना पता नहीं सुने होगे कि नहीं सुने होगे, बट यार देखो आपके सामने एक ना ऐसा बंदा बोल रहा है जिसने झेला हुआ है, और आई डोंट वॉन्ट यू टू झेलो, समझ रहे हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कभी झेलो, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को नहीं चाहता हूँ कि कभी झेलो, जब तक SSC से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ तब तक मैं आपको झेलने नहीं दूंगा, ठीक है। मैं भी आगे चल के ये ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करूँ, ठीक है, जब वो लग जाए पैसा वैसा अर्न करने लग जाऊँ तो मोटिवेशन ये वो थोड़ा सही गाइडेंस करूँ, समझ रहे हो ना। तो भाई झेलने नहीं देंगे, डोंट वरी अबाउट डैट, ये मेरा वादा है, झेलने नहीं देंगे आप लोगों को, ठीक है। कभी भी डिमोटिवेट फील करना, टेलीग्राम पे ग्रुप्स है, उसमें हम मिलते रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे बात कर लेना हमसे। जितना मैंने झेला मैं आप लोगों को नहीं झेलने दूंगा भाई, नहीं झेलने दूंगा। चलो और कुछ बताना रह गया मुझे, और याद रखना तैयारी करो, डेली शेड्यूल बनाना, डेली टारगेट होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हो आप लोग, ये नहीं कि कोई टारगेट लिखिए नहीं रहे हैं और चलते जा रहे हैं, ऐसा कभी काम मत करना। और डेली आज से जितना आपकी कैपेसिटी है 30 वर्ड लर्न करने का, 40 वर्ड लर्न करने का आप लर्न करना, और रीडिंग सेक्शन भी इम्प्रूव करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सनू, हो गया, थैंक यू। एक सेकेंड, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ये बंद करने आ रहा है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना गाइस, वीडियो पसंद आए तो।